हाय गाइज एवरीवन, जय श्री राम। मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को हैप्पी दिवाली। तो आज हम बात करने वाले हैं मुहूर्त ट्रेडिंग के बारे में, जो कल होने वाला है। एक घंटे के लिए समवेयर अराउंड 6 बजे चालू होने वाला है प्री मार्केट। तो उसमें हमें क्या प्लानिंग करनी चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे के लिए भी, और स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में हमें कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये सिर्फ मैं एक मेरा व्यू दे रहा हूँ, मेरा एनालिसिस दे रहा हूँ। मैं किसी को भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई तुम डायरेक्ट आँख बंद करके भाई स्टॉक बाय कर लो। सिर्फ मेरा एक मेरी तरफ से एनालिसिस है, रिकमेंडेशंस नहीं है भाई, एंड ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। भाई चाहिए तो तुम पेपर ट्रेड कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है, बट भाई आँख बंद करके किसी के भी स्टॉक्स बाय मत करो। भाई खुद का एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है भाई। खुद एनालिसिस करो, फंडामेंटल एनालिसिस करो, चार्ट एनालिसिस करो, भाई डायरेक्ट आँख बंद करके ट्रेड मत करो। और भाई दिवाली है, सिर्फ पैसा पैसा मत करो भाई, खुश रहो और खुश रहने भी दो। दिवाली है, फटाके फोड़ो, घूमने जाओ बाहर, फटाके के साथ घूमो। समझ रहे हो? नहीं, फटाके घूमो नहीं, फटाका फोड़ो खाली। भाई मुहूर्त ट्रेडिंग को है ना बहुत शुभ माना जाता है, ऑस्पिशियस माना जाता है, इसलिए एक घंटे के लिए यहाँ पे भाई एक विंडो ओपन करते हैं ट्रेडिंग का, और भाई उसमें बाइंग और सेलिंग की जाती है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम देखा गया है कि भाई मार्केट ऊपर ही गया है। 10 में से भाई 8 बार तुमने देखा होगा कि भाई मार्केट सिर्फ ऊपर गया है, क्योंकि भाई स्टॉक बाय करते सब लोग। ठीक है, मार्केट ऊपर क्यों जाएगा कि भाई सब लोग बाइंग कर रहे तो ऑब्वियसली मार्केट ऊपर जाएगा। तो डायरेक्ट मैं आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूँ भाई कौन से स्टॉक्स हैं जो मैंने सिलेक्ट किए हैं, और इंट्राडे में हमें क्या करना है बैंक निफ्टी निफ्टी में वो भी देख लेते हैं भाई लोग। ठीक है, लेट्स गो। तो आ गए हैं भाई अब लोग अपनी स्क्रीन पे, तो चालू करते हैं पहले स्टॉक से। पहला स्टॉक है यहाँ पे रेडिको खैतान, और उससे पहले मैं स्क्रीन पे कौन सा इंडिकेटर लगा हुआ है वो मैं बता देता हूँ, जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ पोजिशनल देखने के लिए। ये जो रेड लाइन जा रही है सिंपल मूविंग एवरेज है 100 डेज़ की, और जो RSI है जो आपको पता ही होगा 60-40 का, जो इंट्राडे में भी यूज़ करते हैं। तो पहला स्टॉक का नाम है रेडिको खैतान भाई, बहुत ही वीकली टाइम फ्रेम है ये, अच्छा कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दिया है, रीटेस्ट किया है 1200 का अच्छे से, और इस ये स्टॉक को तुम बाय कर सकते हो पेपर ट्रेड एंड एजुकेशन पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ भाई। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, आने वाले टाइम में तुम देख सकते हो कि भाई और ऊंचाइयों के ऊपर जाएगा भाई ये। और दूसरा स्टॉक है टाइटन भाई लोग। टाइटन तुमको पता ही रहेगा कि भाई ऑलरेडी निफ्टी 50 का पार्ट है, मतलब ब्लू चिप कंपनी तो है ही। ठीक है, तो इसमें इन्वेस्ट करने में ज़्यादा कुछ, उसका फंडामेंटल देखो, मैंने मोस्टली सब कंपनी का फंडामेंटल ऊपर से देखो, मेरे को ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस आता नहीं है। ठीक है, मैं कोई फंडामेंटल गाय नहीं है, मेरे को टेक्निकल समझता है, चार्ट समझता है, इसलिए मैं जो ऊपर से जो मैं समझ सकता था तो वो मैंने रीड करने की कोशिश की है। यहाँ पे सब स्टॉक का फंडामेंटल screener.com पे तुमको चाहिए तो भी तुम जा सकते हो। स्टॉक का नाम लिखो सिंपली यहाँ पे, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइटन लिखूँगा तो यहाँ पे टाइटन कंपनी लिख के आ गया, सब यहाँ पे आ जाएगा भाई। प्रोज एंड कॉन्स, पीयर कंपैरिजन, उसका जो कॉम्पिटिटर है उसका कंपैरिजन, क्वार्टरली रिजल्ट जो आपको ज़रूरी है देखने की, प्रॉफिट एंड लॉस देखना ज़रूरी है, बैलेंस शीट देखना ज़रूरी है भाई, उसका कैश फ्लो कैसा है वो सब देख लो, जो बेसिक चीज़ें वो क्लियर हो जाएगी तुम्हारी। बट ऑलरेडी ये ब्लू चिप स्टॉक है तो तुम्हारा कोई ऐसा दिमाग में होना नहीं चाहिए कि भाई ये डूब जाएगी क्या, ऐसा कुछ तो वो सब नहीं होने वाला है, ऑलरेडी कंपनी बहुत अच्छी है भाई। तो दूसरा है स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा दिखा रहा है भाई, एक छोटा सा रेजिस्टेंस 3300 का है, और मंथली टाइम फ्रेम में अगर देखूँ तो छोटी छोटी कैंडल अभी बनाना कोशिश की है भाई। ओके, डी मार्ट की बात करें भाई, डी मार्ट का ऑलरेडी हमने ट्रेड दिया था डेली टाइम फ्रेम में, अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे यहीं कहीं पे हमने ट्रेंड लाइन पे ही ट्रेड दिया था। वीकली में देखें तो भाई बहुत ही अच्छा, ये जो कैंडल बोलते हैं भाई एंगलफिन कैंडल है, लास्ट 2 कैंडल को खा के वो बड़ी कैंडल अभी बना रहा है। ठीक है, तो और ये छोटा सा ब्रेकआउट भी देगा 3850 3860 उसके ऊपर जाएगा तो और तगड़े स्पीड के साथ जाएगा। डीमार्ट मेरे लिए एक पिक में है, ये जब सब स्टॉक है मैंने यहाँ पे लिख के रखा है 2023 मुहूर्त ट्रेडिंग स्टॉक, ये इसलिए बना के रखा है ताकि मेरे को पता चले भाई, क्या पता चले कि भाई 1 साल के बाद 2 साल के बाद जो मैंने पिक्स दिए थे मेरे पिक्स कैसे थे, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ भले, बट फिर भी मेरे पिक्स कैसे निकले वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है भाई। फिर है चौथा अपोलो हॉस्पिटल भाई, अपोलो हॉस्पिटल मंथली टाइम फ्रेम बहुत अच्छी कैंडल है, वीकली टाइम फ्रेम अच्छी कैंडल है, छोटा सा रेजिस्टेंस पे अभी जो आया है वो है अराउंड 5360, वो एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, जस्ट इन केस थोड़ा पुल बैक लेते हैं 5000 से लेके 5100 एक अच्छा सपोर्ट है। फिर एक ये ई मुद्रा करके कंपनी है, ठीक है, ई मुद्रा करके एक कंपनी है, अभी आई है भाई, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ओके, समवेयर अराउंड 1-1.5 साल हुआ रहेगा आई गेस। मंथली टाइम फ्रेम अच्छा है भाई, 400 का सपोर्ट है। वीकली ये जो एक स्टॉक है भाई, इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम है इसका चार्ट को लेके, चार्ट को लेके इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी कम है, तो ये नहीं भी जाओगे तो भी एक बार के लिए चलेगा, और अगर कम क्वांटिटी लोगे तो भी चलेगा।
ठीक है, इस पे खुद का एनालिसिस ज़्यादा करना। मंथली टाइम फ्रेम में देखूंगा, ओके अच्छा है, 400 का सपोर्ट है। वीकली टाइम फ्रेम में लुकिंग गुड ओनली, बट 400 के आसपास अगर आता है तो तुम अच्छे कोई अच्छी कैंडल देख के वीकली टाइम फ्रेम में बाय करने के लिए देख सकते हो। उसके बाद है गेल, ओके गेल इंडिया लिमिटेड, भाई वीकली टाइम फ्रेम देखोगे बहुत अच्छा है, मंथली टाइम फ्रेम देखोगे बहुत अच्छा है। अभी जो छोटा सा रेजिस्टेंस अभी दिखा रहा है यही है, जो भी रेजिस्टेंस पे दिखा रहा है वो यही है, बट मेरे को लगता है ये आराम से इसको क्रॉस कर सकता है अगर हम इसको थोड़ा टाइम दे। वैसे भी हम ये कोई एक महीना दो महीना तीन महीने के लिए नहीं है भाई, पहले ही बता रहा हूँ। ये जो हम मुरत ट्रेडिंग में स्टॉक बाय किए जाते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए किए जाते हैं। एक साल हो सकता है, तीन साल हो सकता है, पाँच साल हो सकता है, ये कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है, ओके तो उसके लिए ये सब स्टॉक जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, गेल हो गया, ई मुद्रा हो गया, अपोलो हॉस्पिटल हो गया, डी मार्ट हो गया, ये सब जो स्टॉक है भाई बहुत अच्छे हैं भाई, ठीक है बहुत ही अच्छे हैं। NIACL ये कंपनी है भाई, ये इसका थोड़ा भी नीचे रिट्रेसमेंट आ सकता है, 120 के आसपास से लेके 100, ये एक एरिया है बहुत अच्छा है भाई बाय करने के लिए, बाय करने के लिए बहुत ही अच्छा एक एरिया है यहाँ पे NIACL। गोदरेज प्रॉपर्टी, भाई नाम में ही गोदरेज है तो भाई ट्रस्टेड कंपनी तो है ही, ट्रस्टेड कंपनी तो है ही, ओके। मंथली चार्ट देखूंगा भाई, अभी 1700 का सपोर्ट लेके अच्छे से ऊपर गया है। वीकली चार्ट देखूंगा, वीकली में अभी एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल बना रहा है, ओके कैसी कैंडल बना रहा है, डोजी काइंड ऑफ कैंडल बना रहा है, देखेंगे कैसी फॉर्म होती है। उसके बाद उस वापस सपोर्ट लेके 1700 से वापस सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट है HAL, ऑलरेडी ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है ऑलरेडी कहाँ पे, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। वीकली टाइम फ्रेम बेस्ट, मंथली टाइम फ्रेम बेस्ट। क्राफ्ट्समैन करके एक कंपनी है, ठीक है काइंड ऑफ डबल टॉप बना तो दिया है, इसके ब्रेकआउट के बाद भाई अच्छा खासा एक रैली आ सकता है, क्या आ सकता है भाई, एक अच्छा खासा रैली आ सकता है। और जस्ट इन केस ये डाउन भी आता है तो भाई ये 4000 के आसपास जो है बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से वापस ये रिवर्स हो सकता है, बट मेजोरिटी ऑफ जो मुझे लगता है चांस ये है कि भाई 5000 क्रॉस करके ऊपर जा सकता है, ओके। फिर नेक्स्ट है LNT, लॉरेंस एंड टर्बो। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम देखें तो भाई वीकली में डोजी बना के भाई बड़ी ग्रीन कैंडल बना रहा है, छोटा सा जो रेजिस्टेंस है आई गेस ये भी उसका ऑल टाइम हाई ही है, ओके ऑल टाइम हाई भी अभी पास ही आ रहा है, मतलब वो भी तोड़ सकता है, वो जो भी स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास है मतलब उसका चांसेस है कि वो ब्रेक कर सकता है भाई लोग, ठीक है। मंथली कैंडल बेस्ट है भाई, वीकली कैंडल अच्छी है। नेक्स्ट स्टॉक है भाई तिलक नगर इंडस्ट्रीज, ये ऑलरेडी उसका जो एक हाई था ऑल टाइम हाई 220 का आई गेस वो क्रॉस करके सस्टेन कर दिया है वीकली टाइम फ्रेम में। मंथली टाइम फ्रेम तो आपको दिखाई रहेगा भाई अच्छा खासा बड़ा कैंडल बनाया है, तो ये स्टॉक भी एक अच्छा स्टॉक है, अगर जस्ट इन केस नीचे आता है तो 180 से लेके 200 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। नेक्स्ट है सैतीन नेट, ये भी एक कंपनी अच्छी है जस्ट इन केस, बट ये मुझे लग रहा है कि भाई थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी भाई 5-6 महीने से फटाफट ऊपर ही जा रहा है, तो एक छोटा सा रिट्रेसमेंट आने के चांसेस है। जस्ट इन केस रिट्रेसमेंट आता भी है तो कहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है, 200 से लेके भाई 210 का एरिया है वहाँ कहीं पर वो सस्टेन कर सकता है, कहाँ पर सपोर्ट ले सकता है 200 रुपये के आसपास, देखो ये मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ये जो एरिया है यहाँ कहीं पर वो सस्टेन करके वापस ब्रेकआउट दे सकता है, ये एक एरिया जो मैंने ऑलरेडी बनाया है यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है, ठीक है वहाँ पे ऑलरेडी क्या है अच्छा खासा सपोर्ट है। नेक्स्ट है टाटा एलेक्सी, भाई तुमको पता रहेगा ये भाई बहुत दिनों से दे धनाधन ऊपर ही जा रहा था, अगर डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको पता चली जाएगा भाई, ठीक है डेली टाइम फ्रेम में जाओगे यू विल नो कि भाई कितना धड़ाधड़ भाग रहा था इतने दिनों से, ये बहुत अच्छा मूवमेंट भी दे रहा था, और ये काइंड ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा रहेगा, ये कप है और ये एक छोटा सा हैंडल है, इसका ब्रेकआउट देके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकता है भाई लोग, ऑल टाइम हाई जो इसका है समवेयर अराउंड 10700, तो ये एरिया में भाई वो जा सकता है, तो इस पर भी ध्यान बनाए रखना। और टाटा का कंपनी है तो भाई तुम्हें ट्रस्ट करने में कोई इश्यू नहीं आएगा भाई, टाटा मोटर्स नेक्स्ट भाई, वापस टाटा का नाम आ रहा है, ट्रस्ट का कोई इशू नहीं होना चाहिए भाई तुमको इसमें भी। 600 का सपोर्ट लेके भाई मंथली कैंडल है ये, 600 का सपोर्ट लेके वापस ऊपर जा रहा है, वापस 600 के आसपास आ सकता है, अच्छा जोन है बाइंग करने के लिए, जस्ट इन केस वो 600 भी ब्रेक कर देता है तो ये जो एरिया यहाँ पे है बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन है भाई, ये जो जहाँ पे पहले रेजिस्टेंस था वो चेंज होके ब्रेक हो गया तो अभी क्या बनेगा वो सपोर्ट, इसको बोलते हैं चेंज इन पोलैरिटी, जो पहले सपोर्ट था वो ब्रेक होता है तो रेजिस्टेंस बनता है, जो पहले रेजिस्टेंस था अगर वो ब्रेक होता है तो वो सपोर्ट बनता है, इसको बोलते हैं चेंज इन पोलैरिटी। तो ऐसे ही वो यहाँ पे भी काम करेगा, मंथली टाइम फ्रेम में अच्छा ही कैंडल है, वीकली में थोड़ा वीक होते जा रहा है बट देखते हैं कैसी कैंडल बनाएगा।
वीकली में छोटी छोटी कैंडल बना रहा है, बट देखते हैं कैसी कैंडल बनेगा। बॉडी अच्छी नहीं है ग्रीन कैंडल में, ठीक है। तो ये थी मेरी तरफ से दिवाली की स्टॉक्स पिक्स। समवेयर अराउंड कितने स्टॉक है देख लेते हैं, अराउंड 15 स्टॉक है, ओके। सब में छोटा छोटा भाई पेपर ट्रेडिंग तुम्हारा हिसाब से कर सकते हो, एक एक दो दो पाँच पाँच स्टॉक लेके पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो भाई। कोई मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन नहीं है, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। और मैं चार्ट में क्या देखता हूँ, वीकली कैंडल देखा, मंथली कैंडल देखा, सभी मूविंग एवरेज जो है भाई प्राइस के नीचे ही है, मतलब अच्छा है। प्राइस के नीचे मूविंग एवरेज रहना अच्छी बात है, बुलिश माना जाता है उसको। और बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे देखो तुमको पता रहेगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा रैली दिया है, बहुत ही अच्छा रैली दिया है भाई। जस्ट इन केस अगर कल गैप अप होता है तो कौन सा लेवल एक है जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, 44,000 एक राउंड नंबर है, समझो गैप अप ओपन होता है यहाँ से ही वो रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। जस्ट इन केस फ्लैट ओपन होता है तो प्राइस एक्शन क्या बोलता है वो देखेंगे, कंसोलिडेशन करके जैसे ही कहीं ब्रेकआउट देगा ऊपर की साइड तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, नीचे की साइड तो नीचे का ट्रेड लेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि भाई जैसे ही नीचे का ट्रेड लेंगे तो 800 का एक इमीडिएट सपोर्ट आ जाता है, क्या आ जाता है, 800 का एक इमीडिएट सपोर्ट आ जाता है। तो उसका ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे, एक घंटे का ही टाइम है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है वैसे तो उस पर देखेंगे कैसे प्राइस एक्शन बनाता है, वो हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। और निफ्टी की बात करें अगर हम, तो निफ्टी में भी सेम ऐसे ही है भाई, 19,500 का एक अच्छा खासा राउंड नंबर है, वहाँ पे रेजिस्टेंस है, 19,350 का एक नीचे सपोर्ट है। जस्ट इन केस अगर ऊपर खुलता है प्राइस एक्शन देखेंगे, अगर बेरिश दिखा रहा है 19,500 के आसपास तो डायरेक्ट शॉर्ट कर देंगे। जस्ट इन केस नीचे खुलता है 350 के आसपास जो अच्छा खासा बेस बना है उसने, यहाँ पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन देखेंगे और वो हिसाब से अपन कॉल बाय कर लेंगे। और जस्ट इन केस प्राइस जो है वो अगर साइडवेज खुलता है समवेयर अराउंड यहीं पे ही खुलता है तो यहीं पे प्राइस एक्शन देख के जो भी साइड ब्रेकआउट देगा, अपसाइड तो अपसाइड, डाउनसाइड तो डाउनसाइड, उसके लिए अपन वो हिसाब से ट्रेड करेंगे, बुलिश हो या बैरिश हो। और मैं पहले ही बता देता हूँ मेरी तरफ से मैंने मिड कैप का कॉल दिया है फ्राइडे को और फिर निफ्टी का कॉल दिया है, मैंने खुद ने भी लिया है और सब जो व्यूअर्स हैं मेरे उन्होंने भी लिया है मेरी तरफ से। तो दिवाली है भाई, प्लीज़ एंजॉय करें, सिर्फ पैसे के बारे मत सोचे, 5-6 हज़ार के फटाके लो और फटाके फोड़ो। और अगर लगता है कि नहीं भाई फटाके फोड़ने से पॉल्यूशन होता है तो 6 हज़ार का फटाका लो और पॉल्यूशन ना हो वैसा वाला खर्चा करो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल मूरत ट्रेडिंग में। अपना गूगल मीट है बाय द वे 5 बजे, गूगल मीट एक छोटा सा 1 आवर का सेशन रखा है, नॉर्मली Q&A सेशन है, 5 बजे चालू करेंगे 6 बजे तक, तो कुछ भी बातें कर सकते हैं। गूगल मीट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल है उसमें मैं देने वाला हूँ तो उसमें प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का। और 5 बजे मिलते हैं भाई अपन गूगल मीट में, और लाइव आएंगे अपन 6 बजे, स्टार्ट कर देंगे यूट्यूब पे, तो वो भी ज्वाइन कर लेना, उसके लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, बेल आइकन को ऑन कर देना, ये वीडियो को लाइक कर देना भाई। स्टॉक पिक मेरी तरफ से ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस एंड पेपर ट्रेडिंग। थैंक यू एवरीवन, जय श्री राम, हैप्पी दिवाली, जय दिवाली।